हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप ऑल 007। तो फिर आज एक नया वीडियो के साथ शुरू करता हूँ। तो आज का वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोगों का जो इनकम टैक्स पोर्टल है उसमें हम लोग पैन कार्ड दे के जो रजिस्ट्रेशन करते हैं इनकम टैक्स फाइल करने के लिए। तो हम लोग अगर इनकम टैक्स जब फाइल करने के लिए लॉग इन करते हैं उस टाइम में अपना पैन कार्ड का नंबर तो देना पड़ता है, क्योंकि अपना आईडी, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड देना पड़ता है। तो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड देने के टाइम में अगर हम लोगों को सिर्फ पैन कार्ड नंबर याद है बट हम लोगों को अपना पासवर्ड याद नहीं है, अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको हम लोग कैसे रिकवर करें, वही मैं आप लोगों के इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल में अगर नया है तो चैनल को कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना कि दूसरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले आए। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलना। तो देखिए, मैं अभी यहाँ पे पैन नंबर डाल देता हूँ। पैन नंबर डालने के बाद अभी इसको मैं कंटिन्यू करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे पैन नंबर दे दिया, उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक कर दिया। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज डिस्प्लेड अबव, यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद पासवर्ड जो देना है, एक्चुअली मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, क्योंकि मेरा जो क्लाइंट है, क्लाइंट मुझे यूज़र आई डी उसका पैन नंबर तो दिया है बट जो पासवर्ड है वो दे नहीं पा रहा है क्योंकि वो भी भूल गया है। तो इसके लिए वो पासवर्ड को मुझे रिकवर करना है। इस पासवर्ड को कैसे हम लोग रिकवर करते हैं तो ही मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। देखिए, लाइव करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, फॉरगॉट पासवर्ड में क्लिक करना है। फॉरगॉट पासवर्ड में क्लिक करने, देखिए यहाँ पे मैं जब दे रहा हूँ फॉरगॉट पासवर्ड में, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे फिर आपको क्या बोल रहा है, एंटर यूज़र आई डी। तो यूज़र आई डी आपको क्या है, यूज़र आई डी जो होता है अपना जो पैन नंबर है वही हम लोग यूज़र आई डी क्रिएट करके रखते हैं नॉर्मली। तो देखिए, फिर मैं पैन नंबर को दे दूँगा यहाँ पे, क्योंकि मेरा क्लाइंट का यूज़र आईडी और पैन नंबर सेम है। तो मैं यहाँ पे उसी को ही फिर री एंटर कर दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे री एंटर करने के बाद फिर कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे। देखिए, यहाँ पे दिखा रहा था फॉरगॉट पासवर्ड। तो यहाँ पे अभी क्या करना पड़ रहा है, देखिए यूज़र आईडी जो यहाँ पे दिखा रहा है, उसके बाद ओटीपी और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार, ये दे सकते हैं अपलोड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और यो ई फाइलिंग ओटीपी। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया गया, ओटीपी और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार, अपलोड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यूज ई फाइलिंग ओटीपी। तो मुझे यहाँ पे चूज करना थर्ड वाला। तो इसमें मैं क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपका जो मोबाइल नंबर, उस मोबाइल में आपका पासवर्ड भेज दिया गया। उसके बाद आपका ईमेल जो है, जीमेल हो चाहे या हो, जो भी मेल है उस मेल एड्रेस में आपको पासवर्ड भेज दिया जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन है, दोनों में आपको पासवर्ड भेजेगा, ओटीपी जो भेजेगा। इसके बाद कंटिन्यू क्लिक में क्लिक करने के बाद वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो ओटीपी आप नहीं डालने से आपका ये पासवर्ड रिकवर नहीं होगा। तो पासवर्ड रिकवर का प्रोसीड्यूर यही है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू में क्लिक करके जो ओटीपी आएगा ओटीपी मुझे देना है। तो यहाँ पे पहले देखिए डेट ऑफ बर्थ मुझसे मांग रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ में एक बार एंटी कर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको साल पहले सिलेक्ट कर लेना होगा, साल को सिलेक्ट करके उसके बाद ही आप कर सकते हैं। तो मैं एक बार साल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। साल को सिलेक्ट करने के बाद फिर कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे। अब कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे मोबाइल में ओटीपी और ईमेल में भी ओटीपी आ गया है। तो ये ओटीपी मुझे यहाँ पे प्रेस करना है। तो देखिए, मैं मोबाइल का ओटीपी और ईमेल का ओटीपी दोनों दे दिए। इसके बाद वेरीफाई भी क्लिक कर दूंगा। अब वेरीफाई में क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि सेट न्यू पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं न्यू पासवर्ड सेट कर दूंगा।
तो देखिए मैं पासवर्ड सेट कर लिया, पासवर्ड सेट करने के बाद इसको मैं सबमिट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे दिखा रहा है अपडेटेड सक्सेसफुली। इसके बाद मैं लॉगिन कर सकता हूँ, तो प्रोसीड टू लॉगिन में मैं क्लिक करके फिर मैं पैन नंबर दूंगा, उसके बाद फिर जो मैं पासवर्ड सेट किया हूँ वो दे के मैं इसको लॉगिन कर लूँगा। तो देखिए मैं आप लोग को फिर इसको लॉगिन करके दिखा रहा हूँ, तो आप लोगों को पता चलेगा। देखिए पासवर्ड देने, अभी मैं यूजर आईडी दे दी, उसके बाद अभी पासवर्ड देना। तो देखिए मैं पासवर्ड देके लॉगिन भी कर लिया हूँ। तो ये था आज का वीडियो, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना।